भोसड़ी वाले अपनी गांड में डाल लो ये सारे नोट्स और सिक्के, ठीक है ना। दिन भर में कितनों को बेवकूफ बनाते हो? कम से कम 20-25, कम से कम 1 लाख से ऊपर भी नहीं कमाऊंगा। एक दिन का 1 लाख निकाल लेते हो। यस दोस्तों स्वागत है आप सभी को आज एक फ्रेश और कमाल के वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आप लोग अंत तक देख लेंगे ना तो आपके आंखों में से हो सकते हैं आंसू आ जाए। किस तरह से एक फ्रॉड, एक बायर, एक फ्रॉड मतलब बायर तो है ही नहीं, फ्रॉड एक लोग, एक लड़का, एक फ्रॉड बंदा किस तरह से लाखों करोड़ों रुपए में खेल रहा है लोगों के साथ, ठीक है ना। लोगों के साथ लाखों लाखों रुपए तक, करोड़ करोड़ रुपए तक ले ले रहा है, इकट्ठा कर ले रहा है अपने पास एकदम प्रूफ। और बंदा इतना बड़ा बेशरम था वो, मैंने उसको इतना गाली गलौज किया उसके बाद भी उसने मेरे से इतना पोलाइटली बात किया, उसके बाद सहन क्षमता इतना ज्यादा है, इतना गाली देने के बाद कोई बंदा गाली देकर फोन काट देगा, लेकिन वो बंदा फोन नहीं काटा। सारा डिटेल बताया किस किस तरह से उन लोगों ने फ्रॉड करते हैं, एक बंदे से 20-20, 30-30, 40-40 हज़ार रुपये ले लेते हैं उन लोग। मैंने ये बोला कि भाई लाखों रुपए कमा रहे हो आप लोग इस तरह से करके, क्यों कर रहे हो इस तरह का? तो बोला भाई लाख तो छोड़ दो यार, 10-10, 20-20 लाख करोड़ों रुपए कमाते हैं उन लोग, इस तरह का फ्रॉड है वो। तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा लोगों से शेयर करो ताकि सभी लोग जागरूक हो जाए जो अपने नोट्स एंड कॉइन्स को सेल करना चाह रहे हैं। वीडियो को सबसे पहले तो पूरा देखना, पूरा जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी सुनना, डिटेल समझ में आएगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अभी किस तरह से उससे बात किया शुरुआत में, स्टार्टिंग से ही वो चीज़ बताएंगे, ठीक है। एक्चुअली ना गाइस हुआ ये कि मैं ना एग्जीबिशंस के बारे में सर्च कर रहा था गूगल पे, तो उस टाइम मुझे वहाँ पे एक नंबर दिखा ओल्ड कॉइन सेल का नाम से, तो उसी पे मैंने कॉल किया था। तो कॉल उन्होंने रिस्पॉन्स नहीं किया, बाद में फिर कॉल बैक किया, कॉल बैक किया ना, तो उसके बाद आप कंप्लीट डिटेल देखो एकदम ऑन कैमरा सारा चीज़ हुआ, ठीक है एकदम, मतलब आधे घंटे 40 मिनट के अंदर सारा चीज़ हो गया है। वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो लेकिन आप सभी का पैसा बचाने का एकदम मेन जरिया हो सकता है इस तरह से, मतलब एक्सपोज वीडियो शायद ही आपको यूट्यूब पे कोई डालता हो नोट्स एंड कॉइन्स के नाम पे, ठीक है। तो बिल्कुल आप एकदम स्टेप बाय स्टेप देखो वीडियो, अगर ज़रा से भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक चीज़ रिक्वेस्ट है आप सभी के साथ, अगर इस तरह का फ्रॉड ऑलरेडी हो रखा है तो आप लोग मुझे एक अपना वीडियो क्लिप जारी करके दे सकते हैं, उस वीडियो क्लिप को मैं यूट्यूब पर डालूंगा और लोगों को जागरूक करने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। कुछ नहीं करना, आपके साथ जो इंसिडेंट जैसे जैसे हुआ मतलब आपको एक्सप्लेन कर देना है, बस वीडियो क्लिप रिकॉर्ड कर लेना है। आप ऐसे मोबाइल करो या फिर ऐसे करो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ रिकॉर्ड करना है कि शुरुआत से लेकर आपके साथ कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे कॉल आया, फिर कैसे आपने कॉल किया, क्या क्या हुआ, किस तरह से आप सभी आपके साथ धोखा, वो चीज़ एक्सप्लेन करना है और उस वीडियो क्लिप को आपको रखना है। और आपको कमेंट करना है कि हाँ हमने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया है, फिर कमेंट में आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करेंगे, उस ईमेल आईडी में मैं अपना मोबाइल नंबर दूंगा, उस मोबाइल नंबर पर आप कॉल करके हमसे बात करिए और हमसे जो है वो वीडियो क्लिप शेयर करिए, हम यूट्यूब पर डालेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे, ठीक है। तो अब चलिए सीधा आप लोग देखिए इस क्लिप को आगे जो रिकॉर्ड हुआ वो, और आगे आपको देख के वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए पूरा वीडियो को देखिए, यहाँ पर मेरे पास कॉल आ चुका है। हेलो, हाँ जी, हाँ जी सर, मेरे को ना मेरे अपने वो नोट्स एंड कॉइन्स सेल करने थे, क्या आप लोग खरीदते हैं? हाँ, इसी नंबर पे फोटो खींच कर व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप पर देता हूँ। सर थोड़ा सा जानकारी मेरे को दे देंगे, मतलब कैसे कैसे क्या करना पड़ेगा? सबमिट फोटो, हाँ जी, सबमिट के लिए फोटो, फोटो सबमिट करने के बाद कंपनी से मैसेज ही लगाना, मैसेज मिलने के बाद जो है प्रोसेस है जिसमें डॉक्यूमेंट लगता है, ठीक है, पर्सनल कार्ड अकाउंट का फोटो, हाँ जी, तो देखने के बाद 999 के प्रोसेसिंग चार्ज जमा करेंगे, जमा करने के बाद मान लीजिए आपको टाइम लगेगा, हाँ जी, उसका परसेंट अमाउंट ट्रांजेक्शन हो जाएगा। ओके ठीक है, तो अभी मैं अभी भेज दूँ फोटो, तो आप लोग कितने देर में बताओगे मेरे को? 20 मिनट। अच्छा 20 मिनट के अंदर आप लोग बताओगे मेरे को? यस। अच्छा, तो पहले अभी मैं अपने नोट्स एंड कॉइंस का इमेज आपको भेज दूंगा ना। The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आपने जे देखतीश। अभी एक्चुअली ये नंबर मेरे को मिला गूगल पे, ठीक है, मैंने वहाँ पे कॉइन एग्जीबिशंस का डिटेल सर्च कर रहे थे तो यहाँ पे वो नंबर शो किया मेरे को, तो इस नंबर पे मैंने कॉल मिलाया, तो कॉल पहले रिस्पॉन्स नहीं किया लोग, अभी कॉल खुद से कॉल बैक किया उधर से, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं उठाते ही कह रहा है हाँ खरीद लेंगे, आपके नोट्स एंड कॉइन्स का इमेज भेजो, ठीक है ना। तो अभी सबसे पहले तो मैं इसको जो नोट्स एंड कॉइन्स मैं ऐसे ही फर्जी में, मतलब कुछ उस तरह का रेयर नहीं, मैं देखना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल नोट्स एंड कॉइन्स का कितना प्राइस बता रहे हैं, ठीक है, पुराने कुछ 1 रुपये के नोट्स हैं जो कॉमन है उनको मैं भेजता हूँ, भेजने के बाद देखते हैं ये क्या प्राइस बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के साथ दिखाएंगे किस तरह से ये फ्रॉड करते हैं लोग, ठीक है। वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर करिए ताकि और भी लोग इस तरह के झांसे में फ्रॉड में बिल्कुल ना आए, ठीक है ना। तो अभी उसको पहले फोटो भेजते हैं, ठीक है, लाइव यहाँ पे नंबर सेव करके फोटो भेज लेते हैं। तो अभी देखिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ नोट्स ले लिए, ठीक है,
बिल्कुल ये कोई रेयर नोट्स नहीं है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक नेपाल का एक नोट ले लिया, ठीक है, मेरे पास था ये नेपाल का, इसको भी भेजेंगे, क्या बोलता है। ये एक 2 रुपये का नोट, कॉमन नोट है, कोई रेयर नहीं है, ठीक है। ये एक 5 रुपीज़ का नोट है, ट्रैक्टर सीरीज का, ये भी रख लिया। ये एक 1 रुपये का नोट हमने ले लिया, ठीक है, बिल्कुल कॉमन नोट लिया है। और ये 500 का पुराना नोट है, ये भी बिल्कुल कॉमन है, कुछ भी नहीं है इसमें खास, ठीक है। इन सभी का इमेज मैं सबसे सेंड करता हूँ वहाँ पे व्हाट्सएप पे उसको, उसके बाद वो क्या रिस्पॉन्स करता है व्हाट्सएप पर, वो चीज़ आप सभी को दिखाएंगे, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देखो, ठीक है ना, स्क्रीन पे देख के आप लोग सबसे पहले तो समझो चीज़ों को, ठीक है। इतने बेवकूफ़ है ये फ्रॉड वाला, आप देखो ध्यान से। मैंने इसको यहाँ पे इमेज भेज दिया सारा, ठीक है ना, ये नेपाल का नोट है, ये नोट जो भी मैंने दिखाया उसको सेंड कर दिया, ठीक है। सेंड करने के बाद मैंने उसको मैसेज किया, सर बताओ इसका क्या प्राइस है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैसेज क्या है, देखो इनका पास ये मैसेज ना ऑलरेडी कॉपी करके इन लोग रख लिए हैं, ठीक है, सेव करके रख लिए, सभी को यही पेस्ट करते होंगे। देखो, डियर कस्टमर, योर कॉइन विच यू सबमिटेड इन आवर कंपनी। सबसे पहला, मैंने तो इनको कॉइन सबमिट ही नहीं किया, इनको मैंने नोट सेंड किया था, ठीक है। पहला चोरी, हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाई यू फॉर परचेज इन आवर कंपनी, यू हैव बीन वैल्यूड ऑफ कॉइन रुपीज़ 22,78,808 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले ही देखो इन लोग पकड़े गए चीटिंग। मैंने यहाँ पे कोई भी कॉइन्स का इमेज नहीं भेजा, लेकिन इसने साफ साफ लिखा है आपका कॉइन जो है वो सेलेक्टेड हो गया सबमिट कर जो आपने किया। तो मैंने कॉइन सबमिट ही नहीं किया, आप लोग देखो ना स्क्रीन पे दिख रहा हो ना आपको, यहाँ पे मैंने साफ साफ यहाँ पे जो है नोट्स का फोटो शेयर किया, ठीक है। और दाम बता रहा है 22,78,808, तो फेक है, फ्रॉड है, यहीं पे समझ में आ गया। उसके बाद देखो क्या लिखा है, फ्रॉम आवर कंपनी यू शुड रजिस्टर फॉर योर ओन कॉइन्स, आवर स्टेशन चार्ज आर 999, आफ्टर डिपॉजिटिंग 50% मनी योर पेमेंट विल बी क्लियर विद इन 5 मिनट्स एंड आवर कंपनी विल विजिट यू टू कलेक्ट योर कॉइन विद इन 74 आवर्स, ठीक है, 72 आवर्स। ये कह रहा है कि 999 का 50% आपको पेमेंट करना है, करने के बाद 5 मिनट के अंदर अंदर आपका पेमेंट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद 72 घंटे के अंदर अंदर वो आएंगे और आपके पैसे। देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, नीचे अभी समझा रहा हूँ मैं डिटेल में। नीचे लिखे सेंड मी योर पर्सनल डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, ये सब मतलब मांगा गया, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको ये सब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको चीज़ों को समझना है। देखो यहाँ पे कम अमाउंट क्यों रखा है इसने, इसने सिर्फ 999 रखा है और इसका आधा ही लेगा, मतलब 1,000 रुपये रखा है और उसका 50% लेगा, यानी कि 500 रुपये। अगर आप 500 रुपये भी जमा कर देते हो ना, तो 500 रुपये लेके आपसे रफू चक्कर हो जाएगा, आपसे कलेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये फेक है। देखिए ज़्यादा अमाउंट होगा तो आप लोग देने में कतराओगे, मान लो 2,000, 3,000, 4,000 रुपये अगर रखता है और उसका 50% लेता है तो 1,000, 2,000 रुपये हो जाएगा, तो वो आप लोग देने में सोचोगे। लेकिन क्या होता है, 500 रुपये यानी कि 1,000 रुपये उसने चार्ज रखा है, उसका 50% ले रहा है, 500 रुपये अगर आप लोग से मांगे ना, तो 500 रुपये आप लोग बेझिझक दे दोगे, सोचोगे यार 500 रुपये चलो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, तो चलो 500 रुपये इसको देकर ट्राई कर लेते हैं, तो ये होता है, ठीक है ना। इसीलिए आप लोगों को 100 रुपये भी नहीं देना है, यानी कि 200 रुपये, 100 रुपये तो छोड़ दो, 500 रुपये भी छोड़ दो, यहाँ पे कुछ देना ही नहीं है इनको, क्योंकि ये फ्रॉड है, ठीक है ना। आप लोगों को लाइव मैंने दिखाया यहाँ पे, मैंने सबमिट किया था नोटों का फोटो और उसने मेरे को दिखाया है रिस्पॉन्स में कॉइन्स, ठीक है। सबसे पहले रुको, अभी इनको ना थोड़ा सा सबक सिखाते हैं, इसको कॉल करते हैं, उसके बाद बोलते हैं भाई मैं तो तेरे को नोट्स का फोटो भेजा, तूने कॉइन्स के बारे में बता रहे, ठीक है, इससे बात करते हैं फिर क्या बोलता है, ठीक है। देखो फ्रॉड कॉइन वायर मैंने सेव कर रखा है, ठीक है, देखो। हेलो, हेलो, हाँ जी सर, बोलिए सर। मैंने आपको अपने नोट्स का फोटो भेजा था अभी, यस, आपने उस पर रिप्लाई किया है, वो अमाउंट कुछ 22,78,808 रुपये कुछ आपने बोला है, यस। तो मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा, मैंने तो आपको भेजा था सिर्फ नोटों का इमेज, तो आपने उसमें बोला है कि आपका कॉइन्स जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं हमारी कंपनी की ओर से, क्यों? सेलेक्ट कंपनी आपको मैसेज छोड़ दी, सेलेक्ट हो गई, खरीदने के लिए रेडी है, आपको इसमें डिटेल सबमिट करना है। नहीं नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि मैंने तो आपको भेजा था नोटों का फोटो, आप लोगों ने उसमें मैसेज में लिखा है कि आपके कंपनी आपके सिक्कों को मतलब एक्सेप्ट कर लिया, तो मैंने सिक्का तो भेजा ही नहीं, तो सिक्कों का एक्सेप्ट कैसे कर लिया उन्होंने भाई साहब? सिक्का का मैसेज मिला सर, हाँ कॉइन का उसमें लिखा हुआ है, रुकिए मैं आपको पढ़ के सुना दूँ। नोट दोनों होगा ना सर? नहीं सर, मैं आपको दिखा देता हूँ। डियर कस्टमर, योर कॉइन व्हिच यू सबमिटेड इन आवर कंपनी, मतलब डियर कस्टमर आपने जो कॉइन सबमिट किया हमारी कंपनी को, हैज़ बीन एक्सेप्टेड बाई यू, यानी कि आपके और वो एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। अच्छा। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैंने तो नोट फोटो भेजा, आप लोगों ने कॉइन का कैसे एक्सेप्ट कर लिया सर? कॉइन का मतलब क्या होता है सर? सिक्का होता है कॉइन के मतलब, सिक्का होता है, हाँ, तो मैं बात राइट, हाँ, नोट का मतलब क्या होता है? करेंसी होता है, पैसा होता है, नोट है, नोट का मतलब नोट होता है, नोट का मतलब नोट होता है, नोट का मतलब पेपर मनी हो गया, कॉइन्स के मतलब चिल्लर हो गए। तो आपका बात बोलना राइट है, जो सिस्टम में स्कैनिंग किया जाता है, स्कैनिंग से मैसेज मिलता है, हाँ जी,
तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम क्या कहना चाहेंगे आपको, जो मर्जी है जो कीजिए, आपको सेल करना है सेल कीजिए, नहीं आपको है तो नहीं कीजिए। नहीं मतलब ये नहीं, मुझे लगा कि मतलब कुछ फेक ओक है क्या, मैंने नोट का फोटो भेजा, आप लोग सिक्का लिख के भेजे, तो मुझे इसमें थोड़ा डाउट हुआ, मतलब इसलिए मैंने फोन किया आपको। क्या सर? मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ कि मैंने जब नोट्स का फोटो भेजा है तो आप लोग कॉइन्स के बारे में भेजे ना, इस वजह से मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ, तो मैंने सोचा पहले पूछ लूँ आपसे। ध्यान देती कंपनी सर। हाँ जी, आप जैसे कंपनी के अंदर एक कस्टमर है सर, हजारों हजार 2000 कस्टमर है। सर एक बार ऐसे मैं जान सकता हूँ आप लोगों का कंपनी कहाँ की है? जैसे कोलकाता कालीघाट की। अच्छा, वेस्ट बंगाल कोलकाता कालीघाट की। यस। तो ये रजिस्ट्रेशन सर 999, उसका 50% ही देना है ना हमें? 999 सर, 50% अमाउंट आपको अकाउंट पे ट्रांजेक्शन होगा, जो आपका रेट लगा उसका। हाँ, तो मतलब मेरे को पूरा 999 ही पेमेंट करना होगा? यस। अच्छा, 999 मेरे को पेमेंट करना होगा। यस, पर्सनल डॉक्यूमेंट। हाँ, और अगर मान लीजिए मैं उसको मतलब मैं बोलूं कि आप लोग जो पैसा है उसमें से काट लेना 999 की जगह मैं 2000, तो चेक है 2020 से कटना बंद हो गया, इसीलिए आपसे रजिस्ट्रेशन लिया जाता है, आपसे कंपनी एक पैसा नहीं रजिस्ट्रेशन लेती से। नहीं, जैसे कि मान लीजिए मैं बोलूंगा कि भाई 1000 की जगह में मेरे से 10000 ले लो, तो पहले मेरे पैसा दे दो, उसके बाद कंपनी का जो रिवल है आपको 1 रुपया, तो आपका 1 रुपया ही देगी, आपको 5 रुपया बोलेंगे तो आपका मर्जी से थोड़ा कंपनी काट लेगी सर। हाँ, तो कंपनी अगर मेरे पैसे में से काट ले और उसको काट के फिर मेरे को बाकी पेमेंट कर दे तो नहीं चलेगा? नहीं सर, ऐसा बात नहीं होगा। जिस एरिया से आप बिलोंग कर रहे हैं उस एरिया का ट्रांजेक्शन आईडी आएगा सिस्टम पे। सुनो एक बात जी, भोसड़ी वाले अपनी गांड में डाल लो ये सारे नोट्स और सिक्के, ठीक है ना? ऐसा गांड फाड़ूंगा ना मैं तुम्हारा, लोगों के साथ चूतिया बना रहे हो ना, 1000-1000 रुपए का, ठीक है? ऐसा फाड़ूंगा मैं तुम्हें, ऐसा फाड़ूंगा साले कंपनी झाटे, कंपनी क्या है तेरा, साले रोड पे चल रहे हो हरामी के पिल्ले, रोड पे चल चल के वीडियो साले को बात कर रहे हो और कह रहे हो कि यहाँ पे कंपनी है कोलकाता कालीघाट में, साले ऐसा, अरे साले हरामी, तुम लोगों को बेवकूफ बनाना छोड़ दो, ठीक है ना? 1000 रुपए के लिए साले अपने ईमान बेच देते हो तुम लोग, दिन भर में कितनों को बेवकूफ बनाते हो? कम से कम 20-25। दिन भर में 20-25 को? यस। तो सभी से मतलब 1000 लगभग निकालते हो, तो 20-25 हजार एक दिन का? 20-25 हजार कमाने तो नॉर्मल पेंशन ड्यूटी करेंगे, कम से कम 1 लाख से ऊपर भी निकालेंगे। मतलब महीने का बता रहे हो, एक दिन का? एक दिन का बात है, एक दिन का एक निकाल लेते हो? तो बाप रे भाई, तुम तो फिर बहुत पैसे वाले यार, मुझे भी काम दिलवा दो कुछ इस तरह का। पांचवी मंजिल पर से दिखा रहे थे आपको। अच्छा। यस। अच्छा, ऐसा है क्या? तो ये कितने दिन से कर रहे हो इस तरह का फर्जी वाला काम? क्या इस तरह का फर्जी वाला काम कितने दिन से कर रहे हो? कितने दिन से? हाँ, दिन का नाम नहीं लीजिए। तो क्या ले? सोचिए, इयर्स का नाम ले लिया, कितने साल से? अच्छा, कितने साल से कर रहे हो? कम से कम 3 साल से। तो 3 साल से कर रहे हो और कभी पकड़े नहीं गए तुम? पकड़ा कैसे जाएंगे, मतलब ये सारे चीज तुम अपने घर से ऑपरेट कर लेते हो? यस। सिम वगैरह बदल देते होगे फिर तो? सब कुछ। मान लो तुम किस तुमसे मतलब तुमको कोई ग्राहक पैसा दे दिया, मान लो ग्राहक तो छोड़ दो, ग्राहक तो तुम मतलब तुम्हारा तुम दुकानदार तो हो ही नहीं जो तुमको ग्राहक होगा, मतलब कोई बंदा मान लो तुम्हारे झांसे में आके तुमको 1000 रुपए दे दिया, उसके बाद वो तुमको बार बार कॉल करता होगा, तो क्या करते? उसका नंबर ब्लॉक और फिर वो दूसरा नंबर से करे, तो दूसरा नंबर से करेगा तो फिर आपको जो चार्ज है 2550 या 4500 पेमेंट कीजिए। अच्छा, मतलब फिर से पैसा लेगा उससे? तो ऐसे कैसे होगा? अच्छा, अबे साले तुमको थोड़ा सा भी दया नहीं आ रहा है लोगों गरीबों को लूटने में? दया क्या आएगा, भारत के अंदर में सरकार गरीब होगा। अबे फूतनी के, थोड़ा सा तो रहम करो लोगों पे। कलकत्ता में देखता मैं। अच्छा, तुमको डर भी नहीं लगता है पुलिस वुलिस से कोई अगर पकड़वा दे तो? पकड़वा देगा क्या, डर लगेगा, लेगा 10 से 20 लाख 50 लाख लेगा, क्या करेगा भाई साहब, इतने कमा रखे हो तुम, तैयार क्या? अरे भाई साहब, यार मत करो ऐसा फर्जी काम भाई साहब, बहुत लोग मेहनत करके कमाते हैं यार, तुम शॉर्टकट तरीके से उसके सारे पैसे निकाल लोगे, बताओ? शॉर्टकट से नहीं निकालेंगे, इतना बड़ा कंपनी में जाता है बाहर सब लोग, तो कंपनी लाकर ये अंदर में खोलेंगे, किस लिए जाएं भाई? तो वो तो तुम्हारी मर्जी है ना, बट तुम लोगों के पैसा क्यों ऐंठ रहे हो? ऐंठेंगे क्यों नहीं, तो भाई लोग तुम्हारे क्या बिगाड़े हैं?
स्कूल जाते हैं तो कॉल करने के लिए सैलरी देता है बहन, जो सैलरी से भी इतवार को संडे को पैसा काटता है। नहीं, अच्छा तुम अभी ये काम करने के लिए तुम खुद अकेले करते हो या फिर और भी लगा रखे हो काम पे? गैंग लगल है। अरे पूरा गैंग लगल है। और तुम वैसे तो कलकत्ता का लग नहीं रहे हो, बिहार वार के लग रहे हो तुम। बिहार से बात कर रहे हैं, बिहार का सरकार नीतीश सरकार है। अच्छा बिहार से बात कर, तो बता रहे हो कलकत्ता कालीघाट में कंपनी है। आइए कंपनी के अंदर एंट्री लीजिए। अच्छा वेबसाइट पे लाने के लिए गूगल पर दे रही है क्या? अच्छा साली, जितने भी फर्जी वाले लोग होते हैं ये बिहार में होते हैं क्या आपको लग रहा है? बिहार में पूरा भारत के अंदर में ही फर्जी लोग हो रहा है। तो भाई चलो अच्छा लगा तेरे से बात करके, तो सारा डिटेल बताया मेरे को किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाता है ना। तो पूरा गूगल पे आप देखिए, 1000-2000 वेबसाइट चल रहा। ठीक है चलो, अभी ये ना सोशल मीडिया पर डलेगा वीडियो, ठीक है? और थोड़ा सा वैसे तुम्हारा शक्ल तो दिख नहीं रहा, तो कोई फर्क तुमको पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना? वीडियो डालिए कि क्या करिएगा, जिसको चैनल चलेगा चैनल सब्सक्राइब करेगा अगला। लोग थोड़ा सा जागरूक होंगे और कुछ नहीं, तुम्हारा तो कुछ बिगड़ नहीं सकता क्योंकि तुम्हारा फोटो तो है नहीं मेरे, क्योंकि तुम 2000 में वीडियो भी डाल दीजिएगा तो क्या मिल रहा बिगड़ रहा। हाँ सही बात है, तुम्हारा क्या बिगड़ना है साले, तू बहुत बड़ा बेशरम है, तो सही बता रहे हम, इतना बड़ा बेशरम है ना तू। कलकत्ता का आदमी तो समझने में भाई, मैं कलकत्ता से नहीं बोल रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। तू बहुत बड़ा बेशरम है, इतना बड़ा फर्जी बड़ा है, फर्जी करके भी साला तू एकदम बेशर्मी होके मेरे से इतना अच्छे से बात कर रहा है, बताओ। चलो चल भाई ठीक है, मैं ये डालूंगा वीडियो, थोड़ा सा लोग जागरूक होंगे, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। चलो चलो, अरे इस तरह से तुमसे एक रिक्वेस्ट है, पता है तुमसे मेरे को रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है, इस तरह से मत करो यार, जो गरीब लोग हैं वो 1000 रुपये उनके लिए मायने रखता है, समझ रहे हो? लोगों के साथ मत करो इस तरह का फर्जीवाड़ा। फर्जीवाड़ा उन्हें करूँगा क्यों, बेवकूफ बना रहे हो यार लोगों को। 1000 रुपये बहुत मुश्किल से कुछ मजदूर होंगे वो कमाते हैं, फिर तुम उससे ले लोगे, बताओ। 1000 लेकर क्या करेंगे, कम से कम 50,000 दे देता हूँ। अच्छा एक चीज ना, जब 1000 उन लोग दे देते हैं फिर दूसरे नंबर से फोन करते तुम लोग फिर मांगते हो उस उन लोग से ना? स्लिप देखना है क्या? दिखाओ दूसरा नंबर से स्लिप भेजो। तो कैसे देंगे, दिखाओ ना, देखना है स्लिप कैसा होता है, पागल हो जाएगा। अरे एक बार दिखा तो दो मेरे भाई, जब तुमने इतना कुछ शेयर कर दिया तो थोड़ा सा बता दो किस तरह का स्लिप होता है, दिखा। भाई बिल्कुल हरामी है ये भाई साहब, 9 मिनट 25 सेकंड किस किस तरह से फ्रॉड करते हैं। हेलो हेलो, हाँ दिखा दो स्लिप। क्या दिखा रहे, बता रहे थे ना स्लिप मिलेगा। हाँ दिखाओ जरा यार, देखे थोड़ा हम भी, क्योंकि भाई कोई फ्रॉड करने वाला ना इतना इतना बात करता नहीं है, तुम बहुत बात कर लिए, तो थोड़ा सा मेरे को दिखा दो जरा स्लिप कैसा होता है। डाल देगा ठीक पर काग लिए डाल देगा, नहीं डालेंगे। अबे दे दिखा दो मेरे भाई, गलत बात पहले उनको बता दिए तो चेक तो होना जरूरी है। गलत बात मैंने क्या बताया तुमको, तुमको तो अपने पे पछतावा ही नहीं है कि तुम लोगों के साथ फ्रॉड कर रहे हो, बताओ। भारत के अंदर फ्रॉड होना जरूरी है। yes. सब छोड़ा यार, तुमने जो किया है ना उसका एक स्लिप दिखा दो मेरे को। क्या देखो दिखा, अरे दिखा तो दो, देखना था मतलब कैसा होता है क्या नहीं होता है। व्हाट्सएप से हेलो कीजिए। अरे व्हाट्सएप में अभी तो बात हुआ था। अच्छा चलो हाई कर दिया मैंने, हाई कर दिया मैंने। हाँ जी वेट करो चल जाएगा। अच्छा वेट करें, ठीक है यार। तुम एक रिक्वेस्ट है तुमसे यार, इस तरह का मत किया करो तुम किसी के साथ, सही बता रहे हैं भाई, तुम अपने सचेत हो जाओ, हम आपको तुमको पकड़ने घर से थोड़ी जाते हैं। ठीक है, हम सचेत हो जा रहे हैं, तुमसे रिक्वेस्ट है तुम वो स्लिप जो है ना वो मेरे को एक बार भेज देना, ठीक है? सचेत तुम हो दूसरे का क्यों। चल ठीक है भाई, रिसीप भेज देना मेरे को, ठीक है? ओके ठीक है यार। भाई ये बंदा ना इतना मतलब डेंजर है साला, लाखों में बात कर रही है, 1000-1000 रुपए लेके मतलब लाखों करोड़ों में खेल रही है। किस तरह से बात की आप लोगों ने देखा, इतना इजीली, इतने गाली देने के बाद भी इतने इजीली सारा चीज़ मेरे को शेयर कर दिया, अभी इवन रिसिप्ट भी भेज दिया मेरे को, ठीक है ना? अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं, ठीक है इधर स्क्रीन पे देखना, ठीक है? रिसिप्ट भेज दिया यार बंदे ने, कितना कितना लोगों के साथ कैसे कैसे पैसा लिया, देखो सब गूगल पे वगल पे से, ठीक है? यहाँ पे देखो यार, सबसे देखो 1549 रुपए देखिए। अबे भाई यहाँ पे जो कस्टमर है ना उनका नंबर भी है, देखिए बंटी कुमार का 1549 रुपए, ठीक है?
उसी तरह से यहाँ पे देखिए बंटी कुमार का फिर 2149 रुपये, ओ माई गॉड। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 4248 रुपये बंटी कुमार का। अभी भाई एक ही बंदी का कितना पैसा लिया देखो, ठीक है, यहाँ पे फिर 6000 रुपये, फिर 2000, फिर 8570, फिर 2550, अभी और फिर देखो 11370 रुपये। माई गॉड, ये शायद बंटी कुमार आई थिंक उस वाले शायद उसका जो अकाउंट है ना उसका होगा मेरे ख्याल से। देखो यहाँ पे इसका नंबर भी दे रखा है यहाँ पे। माय गॉड, ये रहे देखो ये लोग, इन लोग का फ्रॉड करने का तरीका, किस तरह से एक ही बंदे से इतने इतने सारे पैसा ऐड दे रहे हैं, ठीक है ना। माय गॉड, बंदा इतना बेशरम है, उसको कोई शर्म है ही नहीं, मतलब वो इस तरह का कर रहा है उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जनरली एक चीज़ बताएं, मेरे को एक चीज़ अच्छा लगा, बंदे ने हर एक चीज़ एकदम जनरली शेयर कर दिया, और इवन उसने रिसिप्ट भी भेज दिए, देखो किस तरह से पैसे जो उसको मिले हैं इस तरह से फ्रॉड करके। तो इस वीडियो को बनने का यही मकसद है कि आप लोग इस तरह के फ्रॉडबाजी में मत पड़िए, किस तरह से देखिए लोग आप सभी के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, और अभी भी आप लोग बेवकूफ़ों की तरह उन लोगों को रजिस्ट्रेशन के नाम पे पैसे पेमेंट कर देते हो। आप एक बार 999 पे करोगे, फिर वो उसके बाद बोलेंगे कि फिर 5000 रुपये पे करो, फिर 10000 पे करो, इस तरह से आप लोग लालच में आके अपने पूरा बैंक अकाउंट नील कर दोगे, और आपका 22 लाख कभी नहीं मिलने वाला है। 22 लाख तो छोड़ दो, 22000 भी नहीं मिल रहा, 22 रुपये भी नहीं मिल रहा, ठीक है ना। तो इस वीडियो से यही चीज़ आप लोगों को बताने का कोशिश किया मैंने, और बेशरम जो बंदा ऐसा था उसको मैंने ये भी बोला कि वीडियो में डाल दूंगा, फिर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ना, फ़र्क नहीं भी पड़ेगा क्योंकि उसका फोटो थोड़ी दिख रहा है। बंदा बिहार का था देखो, और बता रहा था बंगाल का, मैंने पकड़ लिया उसका आवाज़ का टोन से, ठीक है ना, क्योंकि मैं भी बाई ब्लड बिहारी हूँ। तो ये चीज़ आप लोगों ने देखा, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के फ्रॉड में ना पड़े, किसी भी नंबर से कॉल ना करे, कॉल करे भी तो उसको रजिस्ट्रेशन चार्ज जहाँ मांगे वहाँ से कल्टी मार लो आप लोग, ठीक है। तो आई होप आप सभी को ये जागरूकता वाली वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो